दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द 2010 इन IIPMT एंड इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो द रिस्पेक्ट टू हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो यहाँ पर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेस्पेक्ट में चारों ऑप्शंस में से एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जो कि एकदम करेक्ट हो. तो देखते हैं ऑप्शंस को. फर्स्ट है टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स शो हाई रिकॉम्बिनेशन. तो ये वाला ऑप्शन एकदम रॉन्ग होगा क्योंकि टाइटली लिंक्ड जो जीन होते हैं, टाइटली लिंक्ड जीन्स शोड द फिनोमिना दैट इज नॉन एज लिंकेज. ठीक है, तो लिंकेज जब भी होगा रिकॉम्बिनेशन का जो लेवल है वो बहुत लो हो जाएगा. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. सेकेंड है जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस. तो जो जीन्स फार होंगे क्रोमोसोम्स पर यानी दूर होंगे एक दूसरे से, तो उनमें लिंकेज का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, लिंकेज कम से कम होगा. तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की जो रेट है, रिकॉम्बिनेशन का जो रेशो है वो हो जाएगा हाई. तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि ये बता रहा है कि फ्यू रिकॉम्बिनेशन होगा. थर्ड है जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशंस एज द टाइटली लिंक्ड वंस. तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि जो लूजली लिंक्ड जीन्स हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन रेट हाई होगा बट टाइटली लिंक्ड जीन्स में रिकॉम्बिनेशन लो होगा. तो दोनों का रेशो सेम नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. फोर्थ है टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस. टाइटली लिंक्ड जो जीन्स होंगे सेम क्रोमोसोम्स पर वो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस शो करते हैं, वेरी लो अमाउंट पर रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं. तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन.